हमारे साथ नोएडा से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं और देहरादून से भी ज्ञानेन्द्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नोएडा में राजकुमार जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर किस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप्ता, दिल्ली क्योंकि नोएडा दिल्ली में बसता है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और कल जिस तरीके से दिल्ली में एक सप्ताह का लॉकडाउन मतलब हुआ है उसके बाद फिर निश्चित तौर पर यहाँ पर भी उसका देखने को ऐसा मिल रहा है। मैं इस समय सेक्टर 62 के 62 के मेट्रो स्टेशन पे हूँ। मेट्रो स्टेशन से जो सवारियाँ डेली आती थी उतनी सवारियाँ नहीं हैं। सड़कों पर भी जो प्रेशर है ट्रैफिक का वो थोड़ा कम है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बनता है, क्योंकि नोएडा एक औद्योगिक नगरी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के अंदर एक भय है, लोग अपने घरों में हैं। उसके अलावा जितना ज़रूरी है जो असेंशियल सर्विस में लोग हैं वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस तरीके से कल की एक विशेष रिपोर्ट रही है, क्योंकि औद्योगिक नगरी है तो यहाँ से लोग बहुत आयत में जो मजदूर हैं वो पलायन भी कर रहे हैं। हालाँकि ये जो दौर है ये दौर कई बार गाँवों में कटाई का होता है, जो वहाँ पर फसल होती है उस फसल की कटाई के लिए यहाँ से मजदूर जो मजदूरी करने के लिए पूर्वांचल से आते हैं वो लोग अपने गाँवों में जाते हैं ताकि जाके वहाँ पे अपने घर के लिए भरण पोषण की व्यवस्था कर सकें। वो भी सारे सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो स्थिति और दिनों के मुकाबले यहाँ निश्चित तौर पर थोड़े से हालात जो है वो काबू में दिखते नज़र आ रहे हैं। जी राजकुमार बने रहिए। अब देहरादून के हालात जानना चाहेंगे, ज्ञानेन्द्र जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में किस तरह के हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर, क्या वहाँ पे गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जा रहा है कोरोना को लेकर, क्या वहाँ पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं? जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से रोजाना तकरीबन 2500 के केस उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार 2700, 2600 और कल 24 घंटे में 2100 से अधिक मामले देखने को मिले हैं। चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि कल यानी कि 24 घंटे पहले जिस तरीके से कोरोना की वजह से 24 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ते चले जा रहे हैं ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो कमी है पूरे देश भर में अस्पतालों में देखने को मिली है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और बेड अभी भी उपलब्ध है, लेकिन जिस तरीके से रोजाना जो आंकड़े हैं संक्रमित मरीजों के वो बढ़ते चले जा रहे हैं चिंता का विषय है। अगर यही हाल रहा तो अस्पतालों में व्यवस्थाएँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ये मुसीबत खड़ा कर देंगी मरीजों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं 2500 अगर मरीज रोजाना आएंगे तो अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं कमी रहेंगी और ऐसे में जिस तरीके से सरकार इसको रोकने की हर संभव जो कोशिश है वो कर रही है, जिस तरीके से पिछले दिनों सरकार ने 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो बंद की थी, हालांकि कुछ जिलों को इससे बाहर कुछ रखा गया, लेकिन फिर जिस तरीके से उच्च शिक्षक संस्थानों को लेकर भी आदेश हुआ कि 4 जिलों में उच्च शिक्षक संस्थानों को बंद किया जाएगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निर्णय लिया कि सभी प्रकार के शिक्षक संस्थान पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे ये फैसला कल रात मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो जरूरी जो सेवाएं हैं वही खुली जाएं और कहीं ना कहीं इसको लेके जो मुख्यमंत्री लगातार वो गंभीर नज़र आ रहे हैं और इस बात पे ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है कि किसी भी स्थान पे ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, चाहे वो शिक्षक संस्थान हो या फिर वो ऑफिस हो या फिर जो बाज़ार हैं वहाँ भी। और जिस तरीके से शनिवार रविवार का लॉकडाउन नगर निगम देहरादून क्षेत्र में रखा गया है, पूरे प्रदेश भर में रविवार का लॉकडाउन है, तो ऐसे में स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए ये कवायद की जा रही है, लेकिन बाकी दिनों की जो हालात है अगर हम आज की ही बात कर लें जिस तरीके से बाज़ारों में सड़कों पर लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है और स्थिति कहीं ना कहीं ये है कि जो भीड़ हो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को खुद भी समझने की आवश्यकता है लेकिन वो होता नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को प्रदीप्ता खुद ही जागरूक होना होगा और ये समझना होगा कि ये जो स्ट्रेन दूसरा आया है ये कितना घातक है और युवा वर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो लोगों को खुद ही सतर्क होना चाहिए था और अति आवश्यक जरूरी लोगों को होने पे खुद ही समझना होगा कि जो ये कोरोना है उससे खुद जंग लड़नी है। पुलिस प्रशासन चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक इंसान खुद जागरूक नहीं होगा, इससे लड़ने के लिए खुद तैयार नहीं होगा, खुद उसके अंदर जागरूकता नहीं होगी, तब तक इस लड़ाई से नहीं लड़ा जा सकता है। ज्ञानेन्द्र,
आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में बात की जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल एकदम से बहुत कम वहां पे देखने को मिल रही है और सरकार भले ही लाख दावे कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, लेकिन खबर यह भी सामने आ रही थी कि क्योंकि उत्तराखंड एक भौगोलिक परिस्थिति बहुत ही जटिल राज्य है और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों से कई गांव जुड़े हुए हैं और कई जगह सड़कें भी नहीं है, तो सामने यह खबर भी आ रही थी कि लोगों को जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां तक पहुंचने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थिति है, जो 9 जिले हैं वो पहाड़ी जिले हैं और ऐसे में जिस तरीके से अस्पतालों की जो काफ़ी कमी उत्तराखंड में देखने को रही है, चाहे वो वर्तमान की बात कर ले, सरकार की तरफ से कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं कोरोना के अनुसार वो रखे गए हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या फिर इनकी दवाइयों की बात हो। हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से जो कोरोना संक्रमित है उनके लिए घर तक दवाई पहुंचाने के लिए जो कहीं ना कहीं प्रबंध किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो मुख्य दवाइयां हैं उन्हें पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी सुविधा भी शुरू की गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो अस्पतालों में जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं उसमें कमियां जरूर है, उसे और व्यवस्थित और बेहतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि दिल्ली जैसे प्रदेश में जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार रोजाना के जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं उसके अनुसार अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो चरमरा सकती है अगर यही स्थिति रही, यही हालात। बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है उत्तराखंड के लिए, तो खासकर क्योंकि एक भौगोलिक दृष्टि से काफी जटिल राज्य है। हमारे सहयोगी दिल्ली से राकेश सोनी भी जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किस तरह के हालात बने हुए हैं, दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, इसके तहत अब दिल्ली में कोरोना को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अगर आज के पहले दिन की बात की जाए, क्योंकि आज लॉकडाउन का ये पहला दिन है, पहली सुबह है, और पहली सुबह मैं आपको दिखाऊंगा कि वसंत कुंज का ये हाल आप देख सकते हैं कि जहां ये पूरा पार्क और ये जिम पूरी तरीके से, क्योंकि एक ओपन जिम जो है वो लगा हुआ और पूरी तरीके से खाली पड़ा, और इसी तरीके की तस्वीर राजधानी दिल्ली में सुबह से देखने को मिल रही, क्योंकि दिल्ली में जब से ये लॉकडाउन लगाया गया पूरी तरीके से दिल्ली वाले बखूबी इन नियमों का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना की चैन है उस पर ये ब्रेक लगाने का काम करने के लिए ही दिल्ली सरकार की तरफ से एक सख्त फैसला लिया गया कि एक हफ्ते का दिल्ली के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन देखा जाएगा, क्योंकि अब हम नोएडा से हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, नोएडा में जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, कोरोना वहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, उसका असर भी नोएडा में देखा जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से वहां पर नजर आ रही है? बिल्कुल प्रदीप्ता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश की शो विंडो है, यहाँ पर तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा निजी हॉस्पिटल हैं, उसके अलावा कोविड का एक अस्पताल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला हॉस्पिटल था वो यहाँ पे बना हुआ है सेक्टर 39 में, उसके अंदर भी वो भी बिल्कुल पूरी तरह से फुल है। अब पीजीआई, एक चाइल्ड पीजीआई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सेक्टर 30 में, उसमें 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। कुछ और जो निजी अस्पताल हैं उनको भी कल रात को परमिशन दी गई है, तकरीबन 500 बेड अलग अलग हॉस्पिटलों में बढ़ाने की एक व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि नोएडा एक शो विंडो है, शो विंडो के साथ साथ नोएडा में आधी भारत सरकार रहती है, यहाँ प्रभावशाली लोग बहुत रहते हैं, इस वजह से बड़ी दिक्कत है, कई बार नीचे स्तर पर जो काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको भी आती है। आरोप यह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिनको ऊपर पूरा दारोमदार है, तकरीबन उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपये जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए किए गए हैं, अलॉट किए हैं, ताकि कोरोना महामारी के दौरान नई व्यवस्थाओं में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोगों के, विधायक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसके अलावा सांसद पर भी आरोप इस तरीके के लग रहे हैं। लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसी हैं कि कई अस्पतालों में वेटिंग चल रही है, अंदर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बाहर तकरीबन लोगों को ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो हमारे भी परिचित है, जो हमारे भी टच में है, जिनसे हमारी भी लगातार बातचीत हो रही है, लोगों ने अपने घरों में
कई लोगों ने अपने घरों में अपने सिलेंडर का ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रखा है और वहीं पर वो दवा लेके रहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन से जितना भी बंद पड़ रहा है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है, कुछ सेक्टरों में एक कॉल एक नंबर दिया है, अगर उस नंबर पर किसी को फ़ोन करना है फ़ोन करके अपने घर के आसपास सैनिटाइजेशन करा सकते हैं, पेड भी है और अनपेड भी है, पूरी व्यवस्था करने का प्रशासन प्रयास कर रहा है। राजकुमार, उसके कोरोना को कोरोना से जंग लगातार जारी है और इससे जीतने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। इसी खबर में जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी तारिक रशीद भी जुड़ चुके हैं। तारिक, जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, आपको बता दूं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ जो है कोरोना का कहर बिल्कुल लगातार जारी है और इस सेकंड वेव के तहत जो भी केसेस मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं, चिंताजनक है पूरे देश के लिए भी और पूरे कश्मीर के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। इसमें पुथारिक हो गई है प्रशासन, वो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं कि कैसे इस कोरोना वायरस की सेकंड वेव को रोका जा सके, इसको कम किया जा सके। अगर रोज बरोज की तैदा मुस्बत केसेस की तैदाद की बात करेंगे तो रोज बरोज अब जो 1200 से अधिक केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं और अमवात की तैदाद भी लगातार सामने नजर आ रही है, जिसकी वजह से प्रशासन भी चिंताजनक है और आम लोगों में भी जो तशवीश की लहर दौड़ गई है। और यहाँ पे मुस्बत केसेस की कुल तैदाद जो है 1,40,000 केसेस के करीब पहुंच गई, क्योंकि दिन ब दिन जो है केसेस का लगातार इजाफा होता ही जा रहा है और अमवात का नस्ल थमने वाला सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि कैसे पब्लिक गैदरिंग उसको कम किया जाए या भीड़ भाड़ वाली जगह है उनपे वहाँ पे भीड़ भाड़ कैसे कम की जाए। हालांकि अभी जो है माह रमजान का रवा दवा मौसम है, ये महीना जो है माह रमजान का है, रोजों का है, तो मस्जिदों में भी लगातार इज्तिमाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि इन से इज्तनाब भी किया जाए, परहेज ही किया जाए और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जाए कि भीड़ भाड़ ना की जाए, SOPs का पालन किया जाए और सुकूनों में जैसे छुट्टी पहले ही कर दी गई है और जो यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन खुले थे या दूसरे मगल बागार जो खुले थे सैर तफरी के लिए वहाँ पे भी रोक लगा दी गई है और मार्केट्स में भी अभी जो है लगातार पाबंदी चल रही है, जिसको भी बिना मासिक बिना SOPs के पाया जा रहा है उसको फाइन इम्पोज किया जा रहा है, ताकि इस जो सेकंड वेव जो खतरनाक घातक साबित हो रही है उसको कम करने के लिए प्रशासन भी एकजुट हो चुकी है। जी जी आरिफ, बिल्कुल प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इस कोरोना संक्रमण को रोका जाए और इससे जंग में जीत हासिल की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए।